सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, कावेरी, जितने भी नदियां हैं इनमें रात्रि को स्नान नहीं करना चाहिए। बाबा स्नान करने गए, वरुण के अनुचर घूम रहे थे, रात्रि को पकड़ गए, नंद बाबा को वरुण लोक ले गए। प्रभु जब नंद बाबा वरुण लोक गए तो कहते हैं ये बात जब पता चली वरुण देवता को कि ये स्वयं कृष्ण भगवान के पिता हैं, तो कहते एक समय तो वरुण देवता घबरा गए, परंतु दूसरे ही पल मन में विचार आया किसी बहाने भगवान का दर्शन तो मुझे हो जाएगा, इसलिए बड़ा सुंदर स्वागत किया बाबा का, बड़ा सुंदर स्वागत किया। प्रातः काल जब देव की मैया उठी और उठ के बाबा को ना पाया बिस्तर पे, तो समझ गई जमुना जी में स्नान करने गए थे, अभी तक नहीं लौटे। और प्रभु बाल ग्वाल सब जमुना के पुलिंद पे इकट्ठे हो गए, भगवान श्री कृष्ण ने देरी ना लगाई छलांग लगा दी जमुना में, परंतु अब ना तो माँ यशोदा घबराई ना बाल ग्वाल घबराए, क्योंकि जान चुके थे पहले ही भगवान जमुना महारानी को कालिया के आतंक से मुक्त कर चुके थे, गिरिराज को उठा चुके थे, इसलिए जान चुके थे कि भगवान के लिए कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सक्षम, इस जगत में जो नहीं हो सकता वो भी भगवान करने में समर्थ्यवान है, इसलिए आज खड़े होके भगवान की लीला का दिग्दर्शन करते हैं बाल ग्वाल। भगवान सीधे वरुण लोक पहुंचे और वहां पे कहते हैं वरुण देवता ने भगवान का बड़ा सुंदर स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत किया मेरे भगवान ने, भगवान का वरुण देवता ने, रत्नाभूषण न जाने क्या क्या उपहार भगवान को अर्पित किए और बाबा की विदाई हुई वहां से। कहते हैं बाबा से पहले वरुण के अनुचर थाल ले लेके हीरे लाल के बाहर निकलते हैं, प्रयास करते हैं बाल ग्वाल भगवान के संग, कह रहे लाला गए तो बाबा को लेने थे, साथ में ये हीरे लाल भी ले आए, बड़ी मौज है तुम्हारी तो, तुम्हें तो सब उपहार देते हैं। भगवान मुस्कुराते हुए ब्रज बालकों से कहते हैं तुम भी अपने पिता को जमुना में गिराओ, जब वापिस लाओगे तो फिर हीरे जवाहरात तुम भी ले आना। बीच बीच में परिहास करते रहते हैं भगवान बाल ग्वालों के संग, लीला का विस्तार करते हैं मेरे भगवान आनंद के साथ, प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी भगवान, भगवान की ऐसी पावनी लीला को और गदगद हो जाता है हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी कथा सुनाते सुनाते भी गदगद होते हैं और राजा परीक्षित सुनते सुनते भी प्रसन्नचित होते रहते हैं। गंभीर वाणी में राजा परीक्षित बोले कि हे गुरुदेव मेरे हृदय में बड़ी अभिलाषा है कि अब आप मुझे रास पंचाध्यायी की पावनी कथा श्रवण कराएं। मैंने सुना है उस कथा को श्रवण करके जीव पाप तापों से भी मुक्त हो जाता है, जीवन के कलह कलेश द्वंद्व इस रास पंचाध्यायी की कथा को श्रवण करके पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। सद्गुरुदेव कहते हैं हे राजन अब मैं तुम्हें पाप को मुक्त कराने वाली, भक्ति को देने वाली, प्रेम को देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की परम पवित्र अति पावनी उस कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ, अनुगत मन से बड़े ही धैर्य के साथ तुम इस कथा को श्रवण करना। कहते हैं रासलीला को आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन पूर्ण पुरुषोत्तम षोडश अवतार भगवान की दिव्य लीला मात्र समझ कर ही ग्रहण करना चाहिए प्यारे, शंका का इसमें कोई स्थान नहीं। बाह्य दृष्टि से देखने पर जीव का मन शंकित हो सकता है, परंतु अंतः दृष्टि से इस लीला का दर्शन करने से कहते हैं जीव के हृदय में कोई शंका नहीं रह जाती है। अतः अध्ययन करने वाला या श्रवण करने वाला
इसको लौकिक प्रसंग ना समझ के पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की पूर्ण लीला ही समझे। प्रारंभ होता है रास पंचाध्यायी का, प्रथम श्लोक है। भगवान भी तारात्रि है, शरदोदफुल्लम मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रिं योगमायामुपाश्रितः योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि ही, कौन सी रात्रि? कहा शरदोत्फुल्लं मल्लिका, शरद पूर्णिमा की वो पावन रात्रि। वक्षरन्तु मनश्चक्रे, अपने ही मन के भाव से मेरे भगवान योग माया मुपाश्रित, योग माया का प्रसाद करते हैं। ब्रज की योग माया कौन है? कहा ब्रज की योग माया स्वयं किशोरी जो है, राधा रानी है। ये राधा रानी ही सरास को पूर्ण कराती हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो लीला है ना, ये लीला बड़ी गहरी है मेरे भगवान की। शंकित हृदय कलंकित हृदय होता है, जो शंका में रहता है वो लंका में रहता है। इसलिए इस लीला को शंकित होके नहीं, अपितु इस लीला को भगवान का पूर्ण अवतार समझ के, पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की लीला समझ कर इसे सुनना चाहिए। हाँ, इसमें समस्त भगवत्ता का समावेश है। अनेक पुराण तथा श्रीमद् भागवत एवं गीता में भी इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। विष्णु पुराण के छठे स्कंद के पांचवें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान को पूर्ण परमात्मा माना है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः स्त्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णां भगवतीरणणां षण्णां भगवतीरणणां। षडैश्वर्य जब पूर्ण होके सम्यक रूप से एकत्र हो जाते हैं तब वो भग कहलाते हैं। इन छह ऐश्वर्यों में धर्म यश ज्ञान वैराग्य वैभव, ये समस्त जब एक जगह इकट्ठी हो जाएं प्यारे, और इन सबको धारण करने वाला भगवान होता है, परमात्मा होता है। और क्या श्री कृष्ण में हमें ये छह ऐश्वर्य दिखाई नहीं देते? देखो भाई, उनके ऐश्वर्य का दर्शन तो अल्पायु में ही होने लगा था। 6 दिन के भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी को मार गिराया, इतनी बड़ी भयानक वो पूतना है। 6 दिन के बालक ने मात्र संकल्प से ही जिसे समाप्त कर दिया हो, ऐसे तो केवल कृष्ण हो सकते हैं। शक्तासुर का अंत मेरे भगवान ने किया, अघासुर बकासुर न जाने कौन कौन से वो धैनिक असुर, कितने दैत्यों को मेरे भगवान ने मार गिराया। 7 योजन के लंबे चौड़े गिरिराज को 7 दिन तक सबसे छोटी उंगली पर 7.5 वर्ष का बालक धारण करता है, क्या कोई वो साधारण बालक हो सकता है प्यारे? क्या कोई साधारण बालक हो सकता है कृष्ण? 6 के 6 ऐश्वर्य श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। 16,108 विवाह करना और उनका निर्वहन करना, क्या कोई साधारण जीव कर सकता है? कोई साधारण जीव निभा सकता है? वो केवल मेरे कृष्ण हो सकते हैं प्यारे, जो पूरे जगत का निर्वहन करते हैं। इसलिए महाभारत के अनुशासन पर्व में साक्षात
महर्षि वेदव्यास जी ने जगत वशे वर्तते एवं कृष्णस्य चराचरम, समस्त चराचर के नियंत है श्री कृष्ण। और गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने ही घोषणा करी, अहम सर्वस्य प्रभाव मतः सर्वम प्रवर्तते। कि प्यारे मेरे से अधिक इस जगत में प्रभावशाली प्रभु का प्रभाव इस जगत में सर्व व्यापक है, सर्वनियंत है प्रभु, सर्व जगत को पालने वाले हैं। इसलिए इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए गुरुदेव कहते हैं, इसके प्रथम वक्ता, इसके श्रोता और इसको लिखने वाले किन मनोभाव के संत होंगे। कि प्यारे वक्ता यदि अध्यात्म के मूर्धन्य विद्वान में वेद मर्मज्ञ हैं, त्रिकालदर्शी ऋषि पाराशर के पुत्र व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हैं, तो श्रोता भी कम नहीं है। श्रोता भी चक्रवर्ती सम्राट धर्मावतार श्री युधिष्ठिर जी महाराज के पुत्र हैं। कि प्यारे अगर वक्ता इतने बढ़िया हैं तो श्रोता भी कम नहीं है। फिर ऋषि कुल दिवाकर श्री सुखदेव जी महाराज यदि अद्वितीय वक्ता हैं तो श्रोता भी पांडव कुल भूषण विश्व विजेता परम पराक्रमी परीक्षित हैं। फिर यदि वक्ता यथाचित वृत्ति के संत हैं तो श्रोता भी मृत्यु पर्यंत अन्न जल का त्याग करके बैठे हैं। ऐसी मनोभाव की स्थिति वाला संत कैसी कथा कहेगा, और ऐसी मनोभाव से सुनने वाला राजा कैसा होगा जिसकी मृत्यु आज से सातवें दिन होने वाली हो। वक्त्यादि श्रीमन नारायण के आश्वासन पर अवतरित हुए हैं तो श्रोता भी चतुर्भुज स्वरूप भगवान का गर्भ में ही अभय प्राप्त करके दर्शन पाके पैदा हुए हैं। कि प्यारे ये जो दोनों हैं ना, सुखदेव जी भी और प्रीक्षित भी, दोनों ने भगवान का दर्शन कहाँ किया, का गर्भ में ही कर लियो महाराज। दोनों ही अद्वितीय हैं। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। यहाँ पे सुनाने वाले को तो प्रणाम किया गया, सुनने वाले को भी प्रणाम किया गया। वक्ता यदि वितरागी है तो श्रोता महात्यागी है महाराज। एक वितरागी है, यम प्रव्रजन्तम अनुभेतम अभेत कृत्यम द्वैपायनो विरह काता राजुहावा, और दूसरी महात्यागी है जो अपना समस्त राज्य छोड़ के हम कृष्ण कथा रस पीने को दुनिया से नाता तोड़ चले। कि प्यारे पीने वाला भी कोई कम नहीं है, सुनने वाला भी कोई कम नहीं है। वक्ता यदि प्रभु अनुगत है तो श्रोता भी सत्य शरणागत है। सत्य की धारणा को धारण करके श्रोता भी कथा सुनने के लिए बैठा है। और प्यारे यदि वक्ता अध्यात्म की चरम सीमा है तो श्रोता भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। सारे पुरुषार्थों को छोड़ के आज मानो जो केवल एक पुरुषार्थ को चाहता है, जिस पुरुषार्थ का नाम है कृष्ण तत्व। वक्ता यदि अध्यात्म की चरम सीमा है तो श्रोता भी पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। वक्ता यदि शीलता का आधार मूर्ति है तो श्रोता भी मूर्तिमान परमार्थ है। जगत के कल्याण के लिए निज कल्याण तो है ही, सुनने में सारे संसार का भी कल्याण हो रहा है। भागवत कथा कराने से केवल अपना कल्याण नहीं हो रहा या होता, भागवत कथा कराने से सारे जगत का कल्याण होता है, सारे संसार का कल्याण होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 29वें अध्याय से लेकर 33वें अध्याय तक के 5 अध्याय हैं रास पंचाध्यायी के। इसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अंतरंग लीला का निज स्वरूप भूता महाभाव रूपा आह्लादिनी शक्ति ब्रजेश्वरी तथा उन्हीं के काव्य रूप रचना दिव्य कृष्ण प्रेममयी गोपांगनाओं के साथ होने वाली रसमय लीलाओं का चित्रण किया गया है। कि रसमय लीलाओं का चित्रण कहते हैं, इसकी काव्य व्यूह रचना दिव्य कृष्ण प्रेममयी गोपांगनाओं के साथ होने वाली रसमय लीलाओं का चित्रण इसमें है। रास का मूल है रस, रास का मूल है रस, और रस कौन है, रस स्वयं कृष्ण है, रसो वही सहा, रसो वही सहा। और प्रभु जिस क्रीडा में एक ही रस अनंत रसों का आस्वादन कर आलम्बन एवं उद्दीपन के रूप में क्रीडा करे, प्यारे उसी का नाम है रास।
और इस रास रस को धारण करने वाले स्वयं रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए कहते हैं कि मेरे भगवान ने सुंदर स्वरूप धारण किया। बरहा पीडम नटवर अभु करणयोर करणिकारम विभ्रदवास कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्रान वेणुधर सुधिया गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत गीत कीरते प्राविशत गीत कीरते। जिनके मस्तक पर किरीट बाहुओं में भुजबंद गले में बहुमूल्य हार शोभा पा रहे हैं, मणियों से जिनके सारे अंग सुशोभित हो रहे हैं, सोने के तार द्वार विचित्र रीति से बंधी हुई वनमाला धारण किए हुए ऐसे सुंदर मेरे घनश्याम हैं, ऐसे सुंदर मेरे सांवरे हैं। और कहते हैं कि मेरे भगवान ने आज वेणु नाद प्रारंभ किया और वो मुरली की तान आज सुनी ब्रजांगनाओं ने। और कहते हैं कि इस तान की ध्वनि इतनी प्यारी है कि मानो उस रस में सब सराबोर हो जाएं, सब डूब जाएं। वो रस है कृष्ण नाम का, वो रस है भक्ति का, वो रस है प्रेम का। जिस स्थिति में जो गोपी है ना, कहते हैं वो गोपी वैसी ही स्थिति में भगवान की ओर दौड़ी। परिवेश पायते हैं पर शुश्रूषते हैं पति का शिविर श्रंजो अपश्ये भोजनम श्रंजो अपश्ये भोजनम। ये प्यारे गोपियों की मनास्थिति बताई गई। जो गोपी जिस कार्य में लगी थी वैसे ही वो भगवान की ओर दौड़ी, वैसे ही भगवान की ओर दौड़ी। कहते हैं आंखों के काजल को लगाती हुई गोपी जब वो धुन सुनी, उस काजल को अपने अपने अधरों पे लगाती, अधरों की लाली को आंखों पे लगाती है, हाँ, और भूल गई सुदबुद वो अपनी, अपने सांवरे की ओर वो दौड़ी। हाँ, तन की भी सुध ना रही यहाँ प्यारे, हाँ हाँ, मन की तो कहाँ रहनी थी, यहाँ तो तन की भी नहीं रही। हाँ, भागी गोपियां भगवान की ओर। और कहते हैं हाँ, एक गोपी जो कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी आज जाने लगी, पति ने सास ने दरवाजा बंद कर दिया, तो जाके दिखा कैसे जाएगी कृष्ण से मिलने। आज कहते हैं वो गोपी उस कक्ष में बैठ के भगवान का ध्यान लगाती हुई रोती है, हे कृष्ण दुनिया वाले, दुनिया वालों का इस तन के ऊपर ही तो अधिकार हो सकता है, ये मन और आत्मा तो मैं आपको दे चुकी हूँ हे गोविंद। और कहते हैं भगवान का ध्यान लगा के उस गोपी ने गोविंद को ही अपने हृदय में धारण किया और अपने प्राणों को आज भगवान को ही नौछावर कर दिया। आत्मा प्राणों समेत निकल कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर विलीन हो गई। उस रास में वो आत्मा विलीन हो गई। और प्यारे ये संसार हमारे तन का ही अधिकारी हो सकता है, मन का अधिकारी तो हमारा सांवरा हो सकता है, हमारा भगवान हो सकता है। आज मानो गोपियां
अपने परमात्मा को ही अपना सर्वस्व मानकर अपने परमात्मा की ओर दौड़ने लगी, अपने भगवान की ओर दौड़ने लगी। बड़ी प्यारी वो तान है मेरे परमात्मा की। मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, ये तान कौन सी है, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, इस सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिस सुन के सारी दुनिया मस्ती में झूमती है, जिस सुन के सारी बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, मेरे श्याम ये बता दे, श्री राधे बता दे,
करती है क्या इशारा, क्या दो भरी निगाहें करती है क्या इशारा, नजर को तरसे तेरी के नजर को तरसे वो छलके कौन सी, तेरी के नजर को तरसे वो छलके कौन सी है, मेरी शानी ये बता दे ये मेरे।
के दीवानी मीरा एक बन गई है जोगन एक बनी है राज रानी प्रेमी तेरा दीवाना प्रेमी तेरा दीवाना चरणों को चूमता है ओ मेरे श्याम ये बता दे ये तान कौन सी है ओ प्यारे यार भगवान की वो सुंदरता श्रवण करके आज गोपियां अपने सांवरी की ओर दौड़ी अपने भगवान की ओर दौड़ी और जैसे ही गोपियों को भगवान ने देखा भगवान ने स्वागत किया ब्रज गोपियों का स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम किम ब्रजश्यामयागमनं कारणं ब्रूतागमनं कारणं स्वागत किया भगवान ने ब्रज गोपियों का स्वागतम वो महाभागा हे ब्रज की गोपियों तुम्हारा स्वागत है प्रियाम किम करवाणी वहां हे ब्रज गोपियों हे प्रिय गोपियों मैं तुम्हारे लिए क्या करूं व्रजश्यामयम कश्चित भूतागमनम कारणम इस अर्धरात्रि में तुम्हारा यहां पर आने का कौन सा कारण है मानो ब्रज में सब ठीक तो है ना इसमें तुम्हें यूं परिवार पुत्रों को छोड़ के यहां नहीं आना चाहिए था ब्रज गोपियों मानो वन में जीव जंतु सिंह घूमते हैं कहीं तुम्हें खा जाते तो गोपियां जब इस भय से भी ना डरी तो भगवान ने गोपियों को दूसरा डर दिखाया यदयान चिरम गोष्ठम शुश्रुधम पतिं सती क्रंदन्ति वत्स बालाश्च तान पायते दुहित तान पायते दुहित अरे सतियो तुम शीघ्र लौट जाओ तुम कुलीन परिवार की सती महिला हो स्त्रियां हो जाओ अपने पतियों की सेवा करो अपने बच्चों की सेवा करो तुम्हारा प्रेमवश यहां पर आना अनुचित नहीं है क्योंकि संसार का हर जीव मुझसे प्रेम करता है और मेरी ओर आकर्षित होता है हे कल्याणियों स्त्रियों को अपने घर को देखना चाहिए यूं समय यहां नहीं आना चाहिए था तुम्हें क्यों दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग धनो अपिवा पति स्त्री भी निहातव्यो लोके अबसर भीर पात की
लोके अबस भीरपाल की। जैसी भी स्थिति का पति हो कहा उसकी सेवा करनी चाहिए। महाराज हे गोपियों इसलिए नरक गामी मत बनो, भगवान ने नरक का भी डर दिखाया यहाँ पे गोपियों को। हाँ अपने घर लौट कर अपने घर के पे अपने पतियों की अपने बच्चों की सेवा करो। हाँ हे परीक्षित गोविंद ने गोविंद के ऐसे अप्रिय उपदेश सुनकर प्रजांगनाएं कुछ देर के लिए क्षुब्ध हो गई। हाँ कुछ बोल नहीं पा रही थी गोपियां। हाँ बोलने भी तो क्या बोलने प्यारे, होठ सूख गए वाणी से शब्द ना निकले। हाँ क्या कहें कृष्ण को ऐसी व्याख्या श्रवण करके। अश्रुपात होने लगा ब्रज गोपियों की आंखों से। हिम्मत करके ब्रज गोपियां आज भगवान से कहती हैं, यद बत्ते बत्ते सोहिया मनोवृत्ति रंग स्त्री नाम स्वधर्म धर्म वेदान्वयोक्तम धर्म वेदान्वयोक्तम। हे श्याम सुंदर आपने स्त्री धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या करी। हाँ बड़ी सुंदर व्याख्या करी अपन स्त्री धर्म की। हे प्रभु आप ही तो प्राणी मात्र के प्रियतम हैं, आश्रयदाता हैं, बंधु हैं, आत्मा हो, पुत्र आदि में भी तो आप आत्मा रूप से विराजते हो श्याम सुंदर। हे प्रभु एक छोटी सी कथा हम आपको सुनाते हैं। एक स्त्री थी अपने पति की बड़ी पूजा किया करती थी, सेवा किया करती थी। और प्रभु एक दिन की बात है उस स्त्री के पति कुछ समय के लिए घर से बाहर चले गए। अब उस स्त्री ने नियम नहीं छोड़ा अपना, घर में एक मिट्टी के पति बनाए उसने और घर के जित काम काज करके दरवाजा बंद करती और मिट्टी के पति की वो पूजा करती। कई दिन बीत गए इस पूजा को करते करते। एक दिन की बात वो स्त्री घर के सारे कार्यों को करके मिट्टी के पति की पूजा करने बैठी। नियम से पूजा कर रही थी, दरवाजे पर आहट हुई, हे देवी दरवाजा खोलो मैं आ गया हूं। वो आवाज उस स्त्री के पति की थी। हे गोविंद उस समय उस स्त्री का क्या कर्तव्य बनता है? क्या वो उस समय उस मिट्टी के पति की पूजा करती रहे बैठ के, या खड़ी होके घर का दरवाजा खोल ले और अपने पति देव को घर में लाए उनकी सेवा करे? आज गोपी की कथा सुन के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे ब्रज गोपी इस समय तो उस स्त्री का यही कर्तव्य बनता है कि वो खड़ी होकर घर का दरवाजा खोले और अपने पति को वो घर में लेके आए, उनकी सेवा करे। गोपी आज हर्षित होके खड़ी हुई और जोर से कहने लगी, हे गोविंद फिर हमने कौन सा गुनाह कर दिया? आज तक तो हम मिट्टी के इस देह की यू पूजा करते रहे, सेवा करते रहे, जब हमें हमारे जीवन के प्राण धन पूर्ण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म परमात्मा साकार रूप में मिल गए, फिर भला हम ही क्यों इन मिट्टी के पतियों की पूजा करें? क्यों पूजा करें गोविंद? जिसे प्रत्यक्ष में नारायण मिल गए हो फिर भला वो फिर भला जगत में वो क्यों भटके प्यारे? आज मानो गोपियों की अद्भुत व्याख्या को सुन के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं, हे ब्रज गोपियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और वास्तव में तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति पूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं हो सकती। प्रभु भगवान ने आज
उन ऋषियों से किए हुए अपने वचन को आज निभाया। किसी ने पूछा था महाराज ये ब्रज गोपियां कौन थी जिनके संग भगवान रास करते हैं। कहा राम जन्म के बिछड़े हुए वो संत जिनसे लिपट लिपट के राघवेंद्र रोए थे जब सीता वियोग हुआ था। आज मानो वो वृक्ष वो संत आज गोपियां बन के आए हैं और भगवान ने अपने वचन को निभाया गोपियों के संग। रास प्रारंभ हुआ प्यारे बड़ा मधुर रास हुआ शुरू। हाँ एक एक गोपी के संग एक एक कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। गोपियों में अहम भाव की जागृति हुई। गोपियों को लगने लगा कि कृष्ण केवल मेरे हैं और प्यारे हैं। कहते हैं जीवन का अहम ही हमारे जीवन से हमें भगवान से दूर करता है। इसलिए गोपियों को जब ये अहम हुआ कि कृष्ण केवल मेरे हैं आज भगवान उन ब्रज गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो गए। वो ब्रज गोपियां आज अपने भगवान को ढूंढती हैं अपने सांवरे को ढूंढती हैं। पूछती हैं वो ब्रज की लताओं से हे लताओं क्या तुमने मेरे श्याम को देखा। झुक झुक के वो लताएं कहती हैं नहीं ब्रज गोपियों हमने श्याम को नहीं देखा। आगे बढ़ती हैं ब्रज गोपियां पूछती हैं तमाल से हे तमाल क्या तुमने मेरे श्याम को देखा। ब्रज के वृक्ष भी कह देते हैं कि हमने हे ब्रज गोपियों हमने श्याम को नहीं देखा। हमने श्याम को नहीं देखा। आज मानो वो ब्रज गोपियां पूछती हैं वो ब्रज गोपियां रोती हुई ब्रज की गायों से ए सुरधेनु हमने सुना है श्याम तुमसे बड़ा प्रेम करते हैं क्या तुमने श्याम को देखा। वो धेनु भी कहती है नहीं आज हमने श्याम का दर्शन नहीं किया। रोती भी लगती हुई सी वो ब्रज गोपियां आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़ती हुई वो पूछती हैं आज तुलसी से हे तुलसी तुम्हारा तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बड़ा अनुराग है क्या तुमने श्याम को देखा। आज तुलसी महारानी भी कह देती है कि मैंने श्याम का दर्शन नहीं किया। रोती बिलखती हुई वो ब्रज गोपियां आज अपने जीवन को समाप्त करने का संकल्प लेके बढ़ती हैं जमुना महारानी की ओर। कालिंदी के किनारे खड़ी होके वो कालिंदी से कहती हैं अरे कालिंदी तुम्हारे बिना तो श्याम एक पल नहीं रह सकते। कीच जब लग जाती है गोविंद चरणों में कहते हैं होरी खेलते हुए तो वो श्याम अपने पांव की कीच जमुना महारानी में आके उतारते हैं जमुना में स्नान करके उतारते हैं। तुम्हारे बिना तो वो श्याम एक पल नहीं रह पाते तुमने श्याम को देखा। आज मानो कालिंदी भी कह देती है कि मैंने श्याम को नहीं देखा घनश्याम को नहीं देखा। वो ब्रज गोपियां आज हृदय में ठाकुर को बसा के एक गीत गाती हैं। कहते हैं इस गीत का नाम है गोपी गीत। श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे भगवान का तन है और प्रभु दशम स्कंद मेरे भगवान का मन है और दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी मेरे भगवान की आत्मा है और रास पंचाध्यायी में भी जो ये गोपी गीत है ये मेरे भगवान के प्राण हैं। कहते हैं जो जीव इस गीत का हृदय से मन से पाठ करता है उसके जीवन से कभी भगवान दूर नहीं हो सकते उसके जीवन से कभी शाम दूर नहीं हो सकते। आइए हम भी अपने भगवान को
आज हृदय में बसा के इस गोपी गीत के कुछ श्लोकों का पाठ करेंगे बड़े ही भाव के साथ। सब सीधे होके बैठे, अपना अपना सर ढक के और अपने सांवरे को हाथ जोड़ के सुमिरन करते हुए मेरे संग इस गोपी गीत का पाठ करेंगे। जयेति ते धिगम जन्मना ब्रज श्रयेति दिरा जनार्दिहन वी
करे समय जल ऋणो गुजेशुन क्रीय मधुरया गिरा वल्गुवा बुध मन गया रेगिस्तान सा था हमारा जीवन, सूख चुका था, निष्प्राण हो चुका था। हे गोविंद, सूख चुका था वो ब्रजमंडल, उस रेगिस्तान रूपी हमारे मन में तुमने ब्रज में जन्म लेके अपनी कृपा रूपी बारिश उस सूखे रेगिस्तान रूपी मन में कर दी। हे कृष्ण, धन धन्य कर दिया हमें, कृतकृत्य कर दिया, कृपा करी हमारे ऊपर बड़ी। हे सांवरे, आपने हमारी रक्षा कहां कहां पर नहीं करी। जन्म लेते ही तुमने हमें तापों से पापों से मुक्त कर दिया। सांवरे, पूतना जैसी राक्षसी से तुमने हमारी रक्षा करी। वो बड़े बड़े दैत्य ब्रज को समाप्त करने जब आए, तुमने आके हमारी रक्षा करी। हे कृष्ण, जीवन के किस क्षण तुम हमारे साथ नहीं रहे। हर सुख में, हर दुख में, जीवन की हर परिस्थिति में सांवरे, तुम्हारा हाथ हमारे सर के ऊपर रहा। हे गोविंद, निष्प्राण सा हो गया है हमारा जीवन जब से तुम हमें छोड़ के गए हो। हे सांवरे,
अगर जीवन में तुम ना आए तो बस फिर इस जीवन का भी कोई लाभ नहीं। आज अपने प्राणों को हम जमुना महारानी में ही समर्पित कर रहे हैं, ऐसा मन में विचार करके गोपियों ने एक ही स्वर में, एक ही लय में, एक ही भावों से आज इस गीत को गाया, जिस गीत का नाम है गोपी गीत। और कहते हैं जैसे ही ये गीत पूर्ण हुआ, मेरे भगवान गोपियों के मध्य में उसी समय अवतरित हो गए, विराजमान हो गए मेरे भगवान गोपियों के मध्य। देरी ना लगाई गोपियों ने, अपनी एक गोपी ने चुनरी उतारी और आसन बनाया उस चुनरी का, और भगवान को शासन के ऊपर बिठाया, घेरा बना के गोपियां भगवान के चारों तरफ बैठ गई। और मानो आज वो गोपियां भगवान को कुछ कहती हैं, हे कृष्ण मैं वम विभोर हरि भवान, यदि तम दृशं संत्यज्य सर्व विषयातव विषयातवे पादमूलम् विषयातवे पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मम दुर्वग्रमा तेजासमान, देवो यथा दिपुरुषो भजते मुमुक्षुन् भजते मुमुक्षुन्। हे प्यारे कृष्ण, आप घट घट के वासी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो, तुम इस प्रकार निष्ठुर नहीं बनना चाहिए था कृष्ण, हमें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। आज मानो एक गोपी ने भगवान से प्रश्न कर लिया, हे कृष्ण इस संसार में तीन प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक प्रेमी होता है वो जो किसी से प्रेम के बदले प्रेम करता है, दूसरा प्रेमी होता है वो जो किसी से प्रेम तो करता है परंतु प्रेम के बदले वो प्रेम नहीं मांगता, तीसरा प्रेमी होता है वो जो सारे संसार से प्रेम करता है परंतु वो स्वयं ये नहीं जानता कि वो किससे प्रेम करता है या जागतिक कौन उससे प्रेम करता है। हे कृष्ण इन तीनों प्रेमियों में आप हमारे कौन से प्रेमी हो, आप हमारे कौन से प्रेमी हो कृष्ण। गोपियों के प्रश्न को श्रवण करके भगवान मुस्कुराए, हे गोपियों तुमने पहला प्रश्न किया, भजतो अपि न वै केचिद् भजन्त्य भजतः गुतः आत्मा रामो हाप्त कामा अग्रितज्ञा गुरु तुह। उत्तर दिया था बाद में भगवान ने, पूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, हे गोपियों तुमने पहला प्रश्न किया, एक प्रेमी होता है वो जो किसी से प्रेम के बदले प्रेम करता है, तो सुनो गोपियों प्रेम के बदले प्रेम करने वाला कभी सच्चा प्रेमी नहीं हो सकता, प्रेम देना जानता है, प्रेम समर्पण जानता है, प्रेम त्याग जानता है, प्रेम कभी लेना नहीं जानता। प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश ना दे सके और नाम प्रेम का ले। कि प्यारे ये प्रेम है आज के झूठे जगत का, जो किसी को प्रेम करके उसके बदले प्रेम मांगे वो कभी सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। दूसरा प्रेम कि एक प्रेमी होता है वो जो किसी से प्रेम करता है परंतु उसके बदले वो प्रेम नहीं चाहता, ऐसा प्रेम होता है हमारे माता पिता गुरुजनों का हमारे लिए,
कि वो हमसे प्रेम करते हैं परंतु उसके बदले प्रेम की अभिलाषा वो नहीं करते हैं। और हे गोपियों, तीसरा प्रश्न तुमने किया कि प्रेमी होता है वो जो सारे जगत से प्रेम करता है परंतु उसे स्वयं नहीं पता हो कि उससे कौन प्रेम करता है। तो हे गोपियों सुनो, भज तो अभी नवई भजनते भजता कुतः आत्मा राम हाथ काम भजनते भजता कुतः आत्मा राम हाथ काम अकृतज्ञ गुरुद्रुह अकृतज्ञ गुरुद्रुह। हे गोपियों, नित्य आत्म स्वरूप में रमण करने वाले योगी जो समाधि में लगे रहते हैं उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें कौन प्रेम करता है या वो किससे प्रेम करते हैं। संत ना होते जगत में तो जल उठता संसार, संत किसके लिए तप करते हैं। वृक्ष कप होना फल भखे नदी न पीवे नीर परमारथ के कारण संतन धरे शरीर। संत जगत के कल्याण के लिए तप करते हैं प्यारे, उन्हें नहीं पता वो किसी एक के लिए तप कर रहे हैं अभी तो वो तो सबके लिए तप कर रहे हैं। हे गोपियों, जिन्हें ईश्वरत्व का ज्ञान हो गया है और जो समदृष्टि हो गए हैं, जिनकी कोई कामना शेष नहीं रही है, दूसरे हैं वो उस साधु जन। भगवान का तो ज्ञान हो गया है, समदृष्टि जिनकी हो गई है कि मानो हर परिस्थिति में जिनका मन केवल भगवान को स्मरण करता है, दूसरे हैं वो ऐसे प्यारे भगवान के आत्मा राम। अकृतज्ञ जिन्हें प्रेम और उपकार का स्मरण ही नहीं आता, तीसरे वो भी होते हैं जिन्हें ना तो प्रेम का आभास है ना उपकार का। और कहा चौथे कौन, ऐसे लोग जो माता पिता गुरु और संतों से द्रोह करते हैं, केवल उनकी दृष्टि में निज स्वार्थ होता है, वैसे भयंकर वो अपराधी होते हैं। माता पिता गुरु से जो द्रोह रखता है, कहा प्यारे उन्हें भी नहीं पता होता कि वो संत जन वो माता पिता कितना प्रेम करते हैं उनसे, परंतु उसके बदले वो उस प्रेम को देना नहीं जानते। श्याम सुंदर की ऐसी अद्भुत सुंदर व्याख्या को सुनकर गोपियां विचलित हो गई, कहने लगी अरे ब्रज गोपियों, ये ना तो आत्मा राम है और ना ही आप तक काम ना ही अकृतज्ञ, फिर ये क्या है। गोपियां कहती हैं ये तो हमारे प्यारे कृष्ण हैं जो हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं ना हम तो सख्यो भज तो अपि जन जन दुन 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 भजा में मीशा मनोवृत्ति वृत्तये यथा धमो लब्ध धने विनष्टे तज्जिन्दयाने निवृतो न वेदय। गोपियों, मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम मुझे